हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 लेके आया हूँ, जिसमें 3 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको बोला गया है कि प्रूव करिए कि जो नीचे लिखी हुई संख्या है, यानी कि 1/√2, ये एक इरेशनल नंबर है। ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल मिलता जुलता है एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से। जिन स्टूडेंट्स ने वो क्वेश्चन नहीं देखा है, आप आई बटन पे जा करके क्लिक करेंगे, वहाँ से आप फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन का वीडियो देख सकते हैं। उस क्वेश्चन को समझने के बाद ये क्वेश्चन आपके लिए सिंपल हो जाएगा। और जो बच्चे नहीं देखना चाह रहे हैं, जो आलसी बच्चे हैं, जो चाह रहे हैं कि सारी चीज़ें फिर से दोबारा से इसी वीडियो में, इसी क्वेश्चन में मुझे दोबारा से बताई जाएँ, तो उनके लिए मैं सारी चीज़ें दोबारा से बता दूँगा। हेलो बच्चों, मेरा नाम है जितेंद्र चौहान और आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल मैथा मैजिक्स में। चलिए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आपसे बोला गया है 1/√2 एक इरेशनल नंबर है, ये आपको प्रूव करना है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था, या दोबारा बता दे रहा हूँ, कि रैशनल और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। वो सारे संख्याएँ, सारे नंबर्स जिन्हें आप P/Q की फॉर्म में लिख सकें, यानी कि जिन्हें आप न्यूमेरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख सकें, वो सारी रैशनल नंबर होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 4/3 न्यूमेरेटर डिनोमिनेटर, -3/2 न्यूमेरेटर डिनोमिनेटर। इवन 4 भी एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि किसी भी संख्या से आप किसका डिवाइड कर सकते हैं, 1 का डिवाइड कर सकते हैं। तो ये भी क्या हो गई, रैशनल नंबर हो गई। 1.4 ये भी एक रैशनल नंबर है, क्योंकि हम इसे किस तरीके से लिख सकते हैं, इस संख्या में मैं 1 का डिवाइड दे सकता हूँ, किसी भी संख्या में आप 1 का डिवाइड दे सकते हैं। अब कितने अंकवाद पॉइंट लगा हुआ है, सिर्फ एक अंकवाद पॉइंट लगा हुआ है, तो इस पॉइंट को मैं हटा दूंगा और 1 0 में नीचे बढ़ा दूंगा, तो ये भी एक रैशनल नंबर हो गया। सेकेंड, मान लीजिए कोई संख्या 2.421 लिखा हुआ है, ये भी एक रैशनल नंबर है। क्यों है, क्योंकि इस संख्या में सबसे पहले मैं 1 का डिवाइड दूंगा। अब कितने अंकवाद पॉइंट लगा हुआ है, 1 2 3, 3 नंबर वाद अंक पॉइंट लगा हुआ है, तो ये पॉइंट हटा करके मैं 3 0 आपको बढ़ा दूंगा, तो ये संख्या क्या हो गई, रैशनल नंबर्स हो गई, जो न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखी जा सकते हैं। अब वो सारी संख्याएं जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, न्यूमेरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में नहीं लिख सकते, उन सभी संख्याओं को हम इरेशनल कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि आपके पास लिखा है 1.2/12, या इसका एग्ज़ाम्पल मैं बाद में दूंगा, फिलहाल ये 1.21... ये संख्या लिखी हुई है। अब जरा आप इस पर ध्यान से देखेंगे, क्या आप इसमें 1 का डिवाइड दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं 1 का डिवाइड, मैंने दे दिया। अब मैं यहाँ पे क्या मैंने किया था कि कितने अंकवाद पॉइंट लगाए उतने ही 0 बढ़ा दीजिए, लेकिन क्या आपको पता है ये संख्याएं कितनी लिखी हुई हैं, नहीं हमें पता नहीं है कि यहाँ पे कितनी संख्याएं। या तो आप मुझे बता दीजिए कि ये जो संख्याएं हैं 1000 संख्याएं लिखी हैं, तो मैं 1000 0 नीचे बढ़ा दूंगा, या आप बता दें कि ये संख्याएं आगे जा करके इतनी संख्या लिखी तो उतनी 0 में बढ़ा दूंगा, लेकिन मुझे यहाँ पे न्यूमिरेटर में जो लिखी हुई है ये संख्याएं पता ही नहीं है कि आगे कितनी सारी संख्याएं हैं, तो पॉइंट मैं हटा नहीं सकता और नीचे मैं 0 बढ़ा नहीं सकता, यानी कि इन संख्याओं को मैं न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में नहीं लिख सकता, तो ये संख्या हो गई इरेशनल। सेकेंड, मान लीजिए कि आपके पास 1.2/12 लिखा हुआ है, ये भी एक इरेशनल नंबर है। क्यों है, क्योंकि इसको लिखने का जो तरीका होता है ये होता है 1.2 और 2 कितने बार, कई बार, 2 2 2 2 और सो ऑन, यानी कि ये 2 कितने बार है, इनफाइनाइट बार है, यानी बहुत सारे बार है, पता ही नहीं कितने बार है, 2 लगातार आती जा रहा है ये 2, तो ये संख्या कौन सी हो गई है, ये भी इरेशनल नंबर हो गया है। तो चलिए हम शुरू करते हैं सॉल्यूशन इसका, लिखने का तरीका क्या रहेगा हमारा। जैसे कि इस तरीके के क्वेश्चन हम सॉल्व करते थे, हमसे पूछा गया है कि ये संख्या अप्रूव करना है कि इरेशनल है, तो हम इसे उल्टा मान करके सॉल्व किया करते थे। हम क्या मानेंगे कि मान लीजिए ये इरेशनल नंबर है, लेट 1/√2 इज ए रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर है तो इस संख्या को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर P and Q आर को
प्राइम फैक्टर्स। अब यहाँ पे एक नया वर्ड आया हुआ है, को प्राइम फैक्टर्स। ये क्या होता है? चलिए फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आपका जो आंसर आया है ये आया है 16/12। तो क्या आप आंसर को इस तरीके से लिख के छोड़ देते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि कोई ना कोई एक ऐसी संख्या जरूर है जिसका डिवाइड इन दोनों ही संख्याओं में चला जाएगा। फॉर एग्जांपल आप दो से डिवाइड करते हैं, 2 8 16 एंड 2 6 12 हो गया। अब क्योंकि दोनों में ही दो एक कॉमन फैक्टर है, अगर आप 16 के फैक्टर करेंगे तो दो जरूर आएगा, 12 के फैक्टर करेंगे तो दो जरूर आएगा, यानी कि इन दोनों में एक कॉमन फैक्टर है 2, इसलिए ये को प्राइम नंबर नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, 8 में भी 2 का डिवाइड चला जाता है, 6 में भी 2 का डिवाइड चला जाता है। डिवाइड क्यों जा रहा है 8 में? क्योंकि 8 के अगर आप फैक्टर करेंगे तो 2 जरूर आएगा, और 6 में भी अगर 2 का डिवाइड करेंगे तो आराम से चला जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 2 4 जाए 2 3 जा 6। अब आप देखें 4/3, क्या 4 और 3 में के फैक्टर हम करें तो कोई भी संख्या, कोई भी नंबर कॉमन हो सकता है, या कोई ऐसी संख्या हो सकती है जिसका डिवाइड 4 और 3 दोनों में ही चला जाए? तो हमारे पास ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिसका डिवाइड 4 और 3 में चला जाए, यानी कि अब हम इसको नहीं काट सकते हैं, तो ये संख्या क्या हो गई? को प्राइम नंबर हो गए, को प्राइम फैक्टर्स या नंबर्स हो। वो सारी संख्याएं, वो सारे नंबर्स जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है वो को प्राइम नंबर कहलाते हैं। दूसरा मैं आपको एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ, ज़रा ध्यान से देखेंगे आप, ये आगे हमें हेल्प करेगी। अगर मैं 10 में 2 का डिवाइड दे रहा हूँ तो 2 का डिवाइड चला जाएगा, ये हो जाएगा 2 5 जा 10, चला जाएगा, आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन 10 में 2 का डिवाइड चला क्यों गया? मैं तो 10 में 2 का डिवाइड इसलिए चला गया क्योंकि आप अगर 10 के फैक्टर करेंगे तो इसके फैक्टर में, यानी कि 10 के फैक्टर में कहीं ना कहीं 2 जरूर आ रहा है। अगर 10 के फैक्टर में 2 आ रहा है तभी 2 का डिवाइड जा पाएगा। आगे देखिएगा, मान लीजिए 21 में 2 का डिवाइड अगर करेंगे तो क्या चला जाएगा? 21 में 2 का डिवाइड नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है? क्योंकि अगर आप 21 के फैक्टर करेंगे, 3 7 जा 21 एंड 7 1 जा 7, 21 के फैक्टर में कहीं भी 2 नहीं आ रहा है। अगर फैक्टर में 2 नहीं आ रहा है तो 2 का डिवाइड नहीं जाएगा। ये हमें आगे हेल्प करेगा, आगे आएगा तब पता चलेगा ये सारी चीज़ें। तो आपको मैंने को प्राइम फैक्टर्स बताए हैं कि वो सारी संख्याएं हो, को प्राइम फैक्टर वो संख्याएं होती हैं जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता। मैंने यहाँ पे पी और क्यू को प्राइम फैक्टर्स माना है, यानी कि पी और क्यू में कुछ भी कॉमन नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो क्यू का 1 में करूँगा क्यू हो जाएगा, रूट 2 का पी में करूँगा तो ये होगा रूट 2 पी बाई स्क्वायरिंग। तो q का जैसे ही आप स्क्वायर करेंगे तो ये q स्क्वायर हो जाएगा, रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, और p का स्क्वायर करेंगे तो ये p स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अब ज़रा ध्यान दीजिए, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ q स्क्वायर, और ये जो 2 का मल्टीप्लाई है p स्क्वायर में अगर इधर आएगा तो ये डिवाइड में जाएगा और बराबर p स्क्वायर हो जाएगा। इसे मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और आपको अब ये चीज़ ज़रा ध्यान से सबसे ज़्यादा समझने वाली चीज़ है, आपको एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। मान लीजिए मेरे पास लिखा हुआ है 2x = 6, तो x = 6/2 और x = क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब इस लाइन को समझने की आप ज़रा कोशिश करना, जब 2 का डिवाइड 6 में गया है तभी x की वैल्यू आई है 3, समझना। जब 2 का डिवाइड 6 में गया है 2 3 जा 6, तभी तो x की वैल्यू 3 आई है ना। सेम इसी तरीके से जब 2 का डिवाइड q स्क्वायर में गया है तभी p स्क्वायर आया हुआ है। फिर से समझा, जब 2 का डिवाइड 6 में गया है तभी x की वैल्यू आई। अब जरा देखें 2 का डिवाइड 6 में गया क्यों है? क्योंकि अगर आप 6 के फैक्टर करेंगे तो 2 3 जा 6 होता है, तो 6 के फैक्टर करने में कहीं ना कहीं 2 जरूर आ रहा है, इस वजह से 2 का डिवाइड चला गया और आंसर क्या आया है हमारा? 3 आया। इसी तरीके से जब q स्क्वायर में 2 का डिवाइड गया है तभी p स्क्वायर आया है, यानी कि q स्क्वायर में कहीं ना, अगर q स्क्वायर के फैक्टर करे जाएं, वैसे तो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन q स्क्वायर के फैक्टर करे जाएं तो कहीं ना कहीं 2 जरूर आ रहा होगा, इसीलिए रिजल्ट आपका डिवाइड गया है और p स्क्वायर आया। यानी कि मैं लिख सकता हूँ q स्क्वायर
हैज़ ए फैक्टर ऑफ टू। चलिए यहीं पे मैं एक चीज़ आपको और समझाना चाह रहा हूँ, जरा ध्यान से देखेंगे। मान लीजिए 16 में डिवाइड चला जाता है 2 का, तो 2 8 या 16 होता है। अब अगर मैं इसका स्क्वायर रूट करूँ, 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 4 होता है, तो 4 में भी 2 का डिवाइड चला जाता है 2 2 4। अब जब क्यू स्क्वायर में 2 का डिवाइड चला गया है, तो क्यू स्क्वायर का स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आएगा, क्यू आएगा। तो क्यू में भी किसका डिवाइड जाना चाहिए, 2 का डिवाइड जाना चाहिए। और क्यू में 2 का डिवाइड क्यों जाएगा, क्योंकि क्यू में भी कहीं ना कहीं कोई फैक्टर 2 जरूर होगा, तभी 2 का डिवाइड क्यू में जाएगा। यानी कि ऑल्सो क्यू हैज़ ए फैक्टर ऑफ 2। कहीं ना कहीं क्यू के फैक्टर आप जब करेंगे तो 2 जरूर आ रहा होगा, इसीलिए क्यू में 2 का डिवाइड जा रहा है। आगे जरा देखेंगे आप, एक छोटी सी चीज आप आगे समझने के लिए और है कि मान लीजिए मैं 21 में 3 का डिवाइड दे रहा हूँ, तो मैं 21 के फैक्टर कर रहा हूँ, 3 का डिवाइड 21 में क्यों जा रहा है, क्योंकि 21 के जब आप फैक्टर करेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं 3 जरूर आ रहा होगा, इसीलिए 3 का डिवाइड जा रहा है 21 में और आंसर हमारा मिल रहा है। सेम इसी तरीके से क्यू के जब हम फैक्टर करेंगे तो कहीं ना कहीं 2 आ रहा है। यानी कि मैं क्यू को किस तरीके से लिख सकता हूँ, क्यू को एक लिखने का तरीका ये भी हो सकता है, क्यू इक्वल टू 2c। इस चीज़ को समझने की कोशिश करें, जरा टाइम लगेगा, वीडियो लेंथी हो सकता है, लेकिन समझें। 21 एक संख्या है, इसके हम फैक्टर्स कर सकते हैं, लेकिन क्या क्यू के फैक्टर आप कर सकते हैं, नहीं, पॉसिबल नहीं है। आप जरा इसको समझेंगे आप तो यहाँ इस ये लाइन समझ पाएंगे। मान लीजिए मुझे 21 के फैक्टर करने हैं, और फैक्टर में मुझे सिर्फ इतना ही देखना है, 3 देखना है, बाकी की संख्या नहीं देखनी। फॉर एग्जाम्पल, और दूसरे तरीके से मैं समझाता हूँ, 32 में 2 का डिवाइड चला जाता है, चलिए देख लेते हैं 32 का फैक्टर आप करेंगे तो कैसे करेंगे, 2 2 4 2 8 2 16 2 32। अब मान लीजिए मुझे सिर्फ इतना पता करना होता है कि 32 में 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो मैं क्या करता कि बस 32 में 2 का डिवाइड जा रहा है, और बाकी सारी संख्याओं को मैं क्या लिख सकता हूँ, थोड़ी देर के लिए सी लिख सकता हूँ। यानी कि 32 में कोई ना कोई फैक्टर 2 जरूर है, और इसके बाद कुछ फैक्टर्स हैं जिन्हें मैंने सी लिख दिया है। अब मैं यहाँ पे 32 को सी क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इसके फैक्टर क्या क्या होते हैं, लेकिन इस क्यू के जब मैं फैक्टर करूँगा तो मुझे ये तो पता है कि इसके फैक्टर में कहीं ना कहीं 2 है, लेकिन आगे की कोई संख्या और भी हो सकती है जो मुझे पता नहीं है, इस वजह से उन संख्याओं की जगह पर मैंने सी यहाँ पर लिख दिया है। चलिए अब हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ क्यू इन इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में क्यू की वैल्यू रखने पर, फर्स्ट इक्वेशन ये है हमारे पास, तो क्यू की जगह पे मैं लिखूंगा 2c, तो ये 2c स्क्वायर लगा हुआ है, अपॉन 2 लिखा हुआ है, तो स्क्वायर करूंगा अपॉन 2, और इक्वल टू में लिखा हुआ है पी स्क्वायर, तो मैं यहाँ पे पी स्क्वायर कर दूंगा। 2 का स्क्वायर 4 होता है, सी का सी स्क्वायर, और अपॉन 2 इक्वल टू ये पी स्क्वायर हो गया। 2 का डिवाइड किया तो ये हो गया 2c स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, और सी स्क्वायर इक्वल टू ये जो 2 का मल्टीप्लाई उधर जाएगा तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन 2, और ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड बिल्कुल सेम। मैं दोनों तरीका एक ही है समझने का, यानी कि जरा मैंने क्या समझाया था यहाँ पे कि जब 2 का क्यू स्क्वायर में डिवाइड गया तभी पी स्क्वायर रिजल्ट आया है, सेम यहाँ पे जब 2 का डिवाइड पी स्क्वायर में गया होगा तभी सी स्क्वायर आया होगा। अब 2 का डिवाइड पी स्क्वायर में क्यों गया है, क्योंकि पी स्क्वायर में कोई ना कोई जब आप फैक्टर करेंगे तो 2 जरूर आ रहा होगा, तो मैं लिख सकता हूँ पी स्क्वायर हैज़ ए फैक्टर ऑफ 2। अब अगर पी स्क्वायर में 2 का डिवाइड जा रहा है तो पी स्क्वायर का स्क्वायर रूट यानी कि पी में भी 2 का डिवाइड जाएगा। ऑल्सो पी हैज़ ए फैक्टर ऑफ 2, कहीं ना कहीं पी में भी 2 का फैक्टर। अब जरा क्वेश्चन में चलिए, फिर से हम क्वेश्चन चलते हैं। हमने अभी एक क्वेश्चन सॉल्व करते हुए माना था कि पी और क्यू ऐसे 2 संख्याएं हैं जिनमें कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, लेकिन अब आप देखेंगे जब हमने सॉल्व किया तो क्या आ रहा है कि क्यू के फैक्टर में कहीं ना कहीं 2 आ रहा है, और यहाँ भी आप देखेंगे कि पी के फैक्टर में कहीं ना कहीं 2 आ रहा है, यानी कि पी और क्यू दोनों में कॉमन क्या है, 2 है।
अब ये ऐसा क्यों हो रहा है? हमने कहा था कि को प्राइम नंबर्स हैं, यानी कि कुछ भी कॉमन नहीं हो सकता, लेकिन जब सॉल्व किया तो आंसर में आ रहा है कि पी और क्यू में दो कॉमन हैं, उनके फैक्टर में दो कॉमन है। ये इस वजह से हो रहा है जो मैं बोल रहा हूँ और जो एक्चुअली हमारा रिजल्ट है, इन दोनों में जो विरोधाभास हो रहा है, जो कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है, इस वजह से हो रहा है। क्योंकि जब मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया था, क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम मैंने मान लिया था कि 1/√2 एक रैशनल नंबर है जो कि नहीं है। आप वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन आंसर सॉल्यूशन को नोट कर सकते हैं, अदरवाइज मैंने आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है पीडीएफ का, वहाँ से आप इसका सॉल्यूशन नोट कर सकते हैं। सारी लैंग्वेजेस आपको कैसे क्या कहाँ लिखना है सारी उसमें दिया गया है, आप इसे नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड का सेकंड पार्ट है 7√5। ये थोड़ा सा आसान है। देखिए इस तरीके से जो क्वेश्चन है इनमें मैथमेटिकली सॉल्यूशन या कैलकुलेशन बहुत कम होती है। आपको ये नहीं सीखना है मैथमेटिकली कैलकुलेशन किस तरीके से करना है, क्योंकि कैलकुलेशन है ही नहीं। आपको तो सिर्फ इसमें यहाँ ये सीखना है कि जो सॉल्यूशन लिखते टाइम है कौन सी लैंग्वेज कहाँ यूज़ करनी है, किस तरीके से हमें सारी चीज़ें लिखनी है, आपको सिर्फ इतना सीखना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट को भी सेम इसी तरीके से जैसे फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व किया, इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। लेट 7√5 इज ए रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर है तो इसको किस फॉर्म में लिखा जा सकता है? पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिखा जा सकता है, वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम फैक्टर्स। को प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं क्वेश्चन नंबर वन में मैं डीपली समझा चुका हूँ आपको। अब इसको √5 इक्वल टू ये जो 7 मल्टीप्लाई है उधर जाएगा तो ये किस में चला जाएगा? डिवाइड में चला जाएगा। अब आप इसके राइट हैंड साइड में देखेंगे तो ऐसी संख्या लिखी हुई है जिसको आप न्यूमिरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में लिखा है, यानी कि जो संख्या न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर में होती है वो संख्या क्या होती है? रैशनल नंबर होती है। तो मैं लिख सकता हूँ हेयर P अपॉन 7q इज ए रैशनल नंबर। अब जो संख्या रैशनल नंबर है उसके सामने भी क्या होता है? रैशनल नंबर, क्योंकि इक्वल है, दोनों इक्वल है, दोनों संख्याएं इक्वल है। अगर ये रैशनल है तो ये भी रैशनल होनी चाहिए, अगर ये इरेशनल है तो ये भी इरेशनल होना चाहिए। अब P अपॉन 7q एक रैशनल नंबर है, देन सो √5 शुड बी ए रैशनल नंबर, लेकिन ऐसा होता नहीं है। √5 किस तरीके की संख्या है? इरेशनल नंबर है। बट √5 इज ए रैशनल नंबर। मैं जब सॉल्व कर रहा हूं तो √5 क्या आ रहा है? एक रैशनल नंबर आ रहा है, लेकिन एक्चुअली √5 होती क्या है? इरेशनल नंबर होती है। तो हम मेरे सॉल्यूशन में और जो एक्चुअल में जो है, इन दोनों में जो विरोधाभास हो रहा है, जो कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है, कॉन्ट्रडिक्ट हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करते हुए मैंने मान लिया था कि 7√5 एक रैशनल नंबर है जो कि रैशनल नंबर नहीं है। तो लिखने का तरीका आपका बिल्कुल सेम रहेगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, वहाँ से भी आप सॉल्यूशन लिख सकते हैं। और लैंग्वेज आपको कंप्लीट करनी है, मैंने कंप्लीट नहीं करी है, वहाँ से आप सारी लैंग्वेज देख सकते हैं, लैंग्वेज आप कंप्लीट कर लीजिए। वीडियो आप पॉज करके नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। मैं अगला क्वेश्चन भी सॉल्व करा रहा हूँ, नोट कर लिया आपने? चलिए हटा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड बहुत सिंपल हैं, दो दो तीन तीन लाइन के हैं। फर्स्ट समझना थोड़ा सा ज़रूरी है, बाकी के सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हैं। अगला क्वेश्चन यानी कि थर्ड पार्ट आपको दिया गया है, थर्ड पार्ट में कहा गया है 6+√2 सॉल्व करके दिखाइए कि ये एक इरेशनल है। तो मैं क्या करूँगा? लेट 6+√2 इज ए रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर है तो इसे P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, वेयर P एंड Q आर को प्राइम फैक्टर्स। P और Q क्या है? दो को प्राइम फैक्टर्स हैं। तो मैं इसको किस तरीके से लिख सकता हूँ?
रूट टू इक्वल टू पी अपॉन क्यू, ये जो प्लस सिक्स है उधर जाएगा तो क्या बनेगा, ये माइनस सिक्स बन जाएगा। रूट टू इक्वल टू पी माइनस क्यू का सिक्स में मल्टीप्लाई करूंगा तो ये सिक्स क्यू अपॉन में ये वाला क्यू आ जाएगा। अब आप राइट हैंड साइड देखेंगे तो राइट हैंड साइड में पी माइनस सिक्स क्यू अपॉन क्यू लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा। और ये न्यूमिरेटर यानी कि p माइनस सिक्स क्यू अपॉन क्यू, ये न्यूमिरेटर लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर लिखा है। और जो संख्या न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखी हुई होती हैं तो उन वो संख्याएं क्या कहलाती हैं, आपकी रैशनल नंबर कहलाती हैं। अब जबकि राइट हैंड साइड इसका रैशनल नंबर है यानी कि p माइनस सिक्स क्यू अपॉन क्यू एक रैशनल नंबर है, तो इसके इक्वल में जो संख्या लिखी होगी वो भी क्या होनी चाहिए, रैशनल नंबर होनी चाहिए। तो मैं लिखूंगा हेयर p माइनस सिक्स क्यू अपॉन क्यू इज ए रैशनल नंबर। सो रूट टू शुड बी ए रैशनल नंबर। अब रूट टू एक रैशनल नंबर होनी चाहिए, लेकिन एक्चुअली में क्या है, रूट टू एक इरेशनल नंबर है। फिर से सेम वही मैंने सॉल्व किया है तो आंसर आ रहा है रूट टू एक रैशनल नंबर होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली में होता क्या है, रूट टू एक इरेशनल नंबर होता है। तो ये जो विरोधाभास हो रहा है, ये जो कॉन्ट्रडिक्ट पैदा हो रहा है, कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने क्वेश्चन सॉल्व करते हुए मान लिया था कि सिक्स प्लस रूट टू एक रैशनल नंबर है, जो कि गलत मैंने कहा था। यानी कि क्या होता है कि सिक्स प्लस रूट टू एक रैशनल नंबर है। आप चाहें तो सॉल्यूशन पीडीएफ नोट में दिया गया है, नीचे लिंक दिया गया है, वहां से इसे नोट कर लीजिएगा। आज के वीडियो में इतना काफ़ी है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। थैंक यू।